Hello, let's read the given question the question says a rod of mass m and length L pivoted at one of its end is hanging vertically a bullet of same mass moving and moving at speed v strikes the rod horizontally at a distance X from the from its pivoted end and gets embedded in it the combined system now rotates with angular speed omega about the pivot the maximum angular speed omega m is achieved for x equal to x m then uh, option A given a, omega equal to 3vx upon L square plus 3x square. Option B given a, omega equals to 12vx upon L square plus 2LX square. Option C Xm equal to L by root 3. Option D omega m equal to V by 2L root 3. So for this question your key concept hape we need to understand is the concept of angular momentum conservation. Angular momentum एंड वी नो के हम हमेशा एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं अबाउट सम पॉइंट तो हमें अबाउट नेट टॉर्क इज जीरो जब हम मोमेंटम को कंजर्व कर पाएंगे तो हम ऐसा एक पॉइंट देख सकते हैं प्योर्टेड पॉइंट जिसपे से सिर्फ एक फोर्स जो है जो कि वेट है ऑफ दिस रॉड दैट इज बिस्ट पासिंग तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टॉर्क विल भी जीरो अबाउट दिवोर्टेड पॉइंट जहां से रॉड फिक्स है यहाँ पे हम इसको रिक्रिएट कर लेते हैं सिचुएशन को सो लेट सपोज दिस इज अवर रॉड ये यहाँ से फिक्सड है प्यवर्टेड है ये प्यवर्ट पॉइंट हम पी बोल लेते हैं इसको ठीक है और इससे एक्स डिस्टेंस पर एक बुलेट आके स्ट्राइक कर रही है राइट right? इसका जो डिस्टेंस है वो है एक्स और रॉड की लेंथ हमें कैपिटल एल गिवन है ठीक है अब इसकी कुछ वेलोसिटी भी हमें गिवन है वी तो ये वी वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक कर रही है और उसमें एम्बेड हो जा रही है इसके अंदर मीन्स uh, फिक्स हो जा रही है इसमें जाके ठीक है तो हम इस पॉइंट पी के अबाउट क्या कर सकते हैं मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं राइट सो एंगुलर 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 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 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 के अकॉर्डिंग वी कैन राइट लीन इनिशियल विल बी इक्वल्स टू फाइनल अब इनिशियल कंडीशन क्या होगी जस्ट बिफोर वी कैन से द बुलेट स्ट्राइक्स एंड जस्ट आफ्टर द बुलेट स्ट्राइक मोमेंट मोमेंटम क्या रहेगा बेसिकली इट विल बी कंजर्व ऑफ द सिस्टम राइट एंगुलर मोमेंटम जो कि अब सिस्टम में रॉड है और बुलेट है हमारी

अब इसके अंदर बुलेट भी आ चुकी है इसके बाद राइट ये बुलेट भी इसके अंदर आ चुकी है तो हमें अब क्या लेना पड़ेगा सबसे पहले तो रॉड का मूवमेंट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे रॉड का इट विल विल बी बी आई आई ओमेगा राइट एंड ऑफ अबाउट दिस पॉइंट पी ठीक है प्लस ये रॉड के अंदर ये जो बुलेट आई है इसके लिए हम लिखना पड़ेगा इसके लिए हम क्या लिखेंगे इट विल बी एम वी एक्स अगेन राइट अब यहाँ पे जो x होगा बेसिकली ये कुछ अलग हो जाएगा क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी आएगी तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे इट विल बी x इन टू ओमेगा राइट तो ये एक्स स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा सिंस वेलोसिटी v ये जो v वेलोसिटी नई वाली अचीव करेगा उसको हम लेट से वी डैश बोल रहे हैं तो वी डैश को हम क्या लिख सकते हैं एक्स ओमेगा राइट एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन यही होता है सो so ये लिखेंगे तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन अब हम क्या लिख सकते हैं फाइनली वी कैन राइट देयरफॉर फो एम वी एक्स विल बी इक्वल्स टू आई को हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर मास दोनों का सेम ही गिवेन है तो एम एल प्लस यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्क्वायर ओमेगा राइट तो यहां से M M तक कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड हमें यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम तो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा विल बी इक्वल्स टू सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले जो जो चीजें बच रही हैं वो लिख लेते हैं एक्स बच रहा है यहाँ पे यहाँ बचेगा एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन थ्री या फिर ओमेगा को यहां से कॉमन निकाल लेते हैं प्लस ऑफ एक्स राइट अब यहां से इसको देखा जाए तो वी कैन सी वी एक्स अपॉन थ्री एक्स अपॉन एल स्क्स स्क्वायर तो ये मिल रही है ओमेगा की वैल्यू ठीक है थ्री वी एक्स अपॉन एल स्क्स स्क्वायर तो इसको हम एक्सप्रेशन वन बोल देते हैं और ऑप्शन ए को देखें तो दैट विल बी मैचिंग विद दिस तो ओमेगा तो हमें मिल चुका है अब हमें ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा की फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं वी विल राइट द कंसेप्ट वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा सो फॉर मिनिम फॉर ओमेगा टू बी मैक्सिमम वी कैन राइट डी ओमेगा बाय डी एक्स एक्स वेरिएबल दैट हैज टू बी इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहां पे हम यू बाई वी लगा देंगे तो वी वी कैन राइट इट ओवर एज ओमेगा हमें क्या मिला

the whole divided by l square plus 3x ka square to the whole square and that will actually be equal to zero so yahan se hum dekh sakte hain ki we can write 3v uh 3v ko bhi hum common nikal ke zero ke us taraf bech sakte hain to yahan pe just bachega l square plus 3x square minus of uh 6x square and that will be equals to zero तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो value आ रही है 3x square स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एल स्क्वायर राइट तो एक्स की वैल्यू जो हमें आती हुई दिख रही है फॉर ओमेगा टू बी मैक्सिमम इट इज कमिंग आउट एल है हमसे एक्चुअली में दो चीजें और पूछी गई है एक्सएम भी पूछा गया और ओमेगा एम भी पूछा गया तो ये एक्स की वैल्यू पे एक्स की वैल्यू जब एक्सएम हो जाएगी जो कि एल बायट थ्री है सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से ओमेगा विल बी वॉट ओमेगा विल बी ओमेगा एम ठीक है अब एक्स मिल चुका है हमें तो फाइनली अब हम क्या निकाल सकते हैं ये एक्सप्रेशन से लेट से हमारा एक्सप्रेशन नंबर वन जो था ठीक है तो वन एक्सप्रेशन से हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम वन ओमेगा एम विल बी इक्वल्स टू थ्री वी एक्स लिख देंगे अब इसको ठीक है तो एक्स एम अपॉन एल स्क्वायर एंड प्रिसाइसली इट विल बी एक्स का स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे आप जस्ट वैल्यूज रखेंगे इट विल बी थ्री वी एक्स एम एल बाय रूट थ्री डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस थ्री एल स्क्वायर बाय थ्री क्लियर यहाँ से थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा रूट थ्री वी एल अपॉन टू एल स्क्वायर। यहाँ पर सिम्प्लीफाई करें तो रूट थ्री वी अपॉन टू एल आ रहा है हमारे पास ओमेगा चेक कर लेते हैं रूट थ्री वी बाय ट्वेल्व यस ओमेगा एम बी मैच कर रहा है और सी बी ऑप्शन मैच कर रहा है और डी भी मैच कर रहा है सो ए सी डी हमारा जो है करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन ऑल द बेस्ट